स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि पालमपुर में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके थे। हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में मिक्स्ड फार्मिंग का, रेपिसिटी का, इरिगेशन का, इस मेथड के द्वारा मिक्स क्रॉपिंग का। तो इस मेथड के द्वारा प्रोडक्शन को, लैंड फार्म का जो फार्म जो है उसका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता था। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज था जो हमने बताया था कि पिछले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है मॉडर्न फार्मिंग का। कि मॉडर्न फार्मिंग भी एक मेथड है जिसके द्वारा जो फार्म जो प्रोडक्शन है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि किस तरह से मॉडर्न फार्मिंग फार्म प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाता है। फार्मिंग इन पालमपुर टॉपिक चल रहा है, उसमें जो जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं लैंड, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी में है मॉडर्न फार्मिंग, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाकर जो उपज है उसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो वो कैसे, तो सबसे पहले HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, जो रिसर्च करने के बाद जो तैयार किए जाते हैं क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा, तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी का जो सीड है वो ज़्यादा उपज देता है। इसके साथ साथ HYV सीड के साथ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, हार्वेस्टर्स, गुड इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ इंसेक्टीसाइड, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सारे चीज़ों का यूज करके हम उपज को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से कि हमने देखा हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था इन लेट 1960, इसमें फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने HYV सीड्स का उपयोग करके इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज करके कई गुना उपज को बढ़ाया था। ठीक है, तो इससे उपज तो बढ़ गया, ठीक है, और हमारे देश का एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गया। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अब जो है हमको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना था। हालांकि हमारा जो लैंड एरिया है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमारा जो खेत है वो कभी भी खाली नहीं रह पाता है। उस पर ज़्यादा प्रेशर, पॉपुलेशन का ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा हुआ क्रांति, और जिसमें कि उपज को कई गुना बढ़ाया गया। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। विल द लैंड सस्टेन? क्या अगर ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखते हैं, एक्सेस यूज हम करते हैं फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, इरिगेशन जो सिस्टम है उसको डेवलप उसी तरह से हम कंटिन्यू रखते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारा जो लैंड है ये सारा चीज को सह पाएगा? विल द लैंड सस्टेन? साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है मॉडर्न फार्मिंग के द्वारा हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, है ना, मॉडर्न फार्मिंग का या ग्रीन रिवोल्यूशन का। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का बैड इंपैक्ट क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जिस तरह से कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, उससे क्या हो रहा है कि सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करने से जो हमारा सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी है वो खत्म होते जा रहा है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ट्यूबवेल्स के द्वारा हम धरती के अंदर से पानी निकालते हैं इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल्स के माध्यम से, एट लेड टू द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। उससे क्या होता है कि जो वाटर का लेवल है वो काफी नीचे चला गया है, और जिसके वजह से हमारे जो बहुत सारे शहर हैं वाटर क्राइसिस को फेस
पी वो झेल रहे हैं, environmental resources like soil fertility and groundwater are waste of over year. ये build ये बनने में इनको काफी समय लगता है, built up over years, काफी टाइम लगता है इसको बनने में. Once destroyed, अगर एक बार ये खत्म हो गया, it is very difficult to restore them. जिस तरह से हम natural resources का use कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बनने में काफ़ी समय लगता है, ग्राउंड वाटर जमा होने में भी बहुत समय लगता है, और जिस तरह से अंधाधुंध हम उसका यूज कर रहे हैं, तो इसको रीस्टोर करना बहुत मुश्किल है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट. तो हम यही कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर हम एनवायरनमेंट का भी के बारे में भी सोचें कि किस तरह से हम कृषि जो एग्रीकल्चर है उसके प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाएं कि हमारा जो करंट डिमांड है वो भी पूरा हो जाए, और जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, जो सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो रहा है, इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि वो रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसके लिए सुरक्षित रहे. ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए यही इतना ही है. आप इसको बुक में भी देखना, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, Who will provide the labor. ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.